हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज बात करते हैं मानसून से रिलेटेड ENT, कान नाक गले से होने वाली बहुत सारी समस्याएं जो अमूमन जो है पेशेंट को परेशान करती हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ENT से रिलेटेड जो मानसून से रिलेटेड जो ENT की प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले ईयर से रिलेटेड, बहुत कॉमन जो है ईयर के अंदर कुछ फंगल इन्फेक्शंस हैं वो बहुत कॉमन होता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि हमेशा हम जो है ईयरबड या जैसे पेन या पेंसिल से ईयर को स्क्रैच करते रहते हैं, ईयर को क्लीन करते रहते हैं, दैट शुड हैबिट शुड बी अवॉइडेड। बिकॉज होता क्या है कि जो ये दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये दीज आर नॉट स्टराइल, ये स्टराइल नहीं है। हम हमारे ईयर में डालते हैं, ईयर के अंदर डैमेज होता है, जो ईयर के अंदर हमारी जो कैनाल में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डैमेज होती है और वहाँ पे क्या है, फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार क्या है जो हमारी जो ये मानसून का जो मौसम होता है, वेदर में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, हम जगह जहाँ बैठते हैं वहाँ वहाँ पसीना आता है। सो इस ह्यूमिडिटी और के कारण, क्योंकि ईयर जो है हमारा एक ब्लाइंड कैविटी होती है, यानी आगे पर्दा होता है, आगे बिल्कुल बंद होता है, तो अगर कोई पुराना वैक्स पड़ा हुआ है या हमने स्क्रेच किया, उस इन्फेक्शन के कारण इनिशियली वहाँ फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। हमें इनिशियली एक भारीपन लगेगा और इचिंग होगी और उसके बाद में जो है ईयर से क्या है, डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार क्या है, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन भी होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो है स्पेशली अगर आपके कान के पर्दे में होल है, यानी आपको पता है कि कान के बहुत बार पेशेंट क्या है किसी कारण से नहीं करा पाता, उसकी फिजिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती या पेशेंट खुद नहीं चाहता, और आपको पता है कि मेरे ईयर में परफोरेशन है, आपको अब मानसून के अंदर इन दिनों में बहुत कॉशियस रहना होगा। आपको क्या है, ईयर में एक भी बूंद पानी नहीं जाने देनी चाहिए। उसके लिए कॉटन लेके उसको नारियल या सरसों के तेल में डिप करके स्क्वीज करके कान में डांट लगानी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, कान से रिलेटेड हमारे ईयर के अंदर जो यूजुअली क्या है कि बहुत बार क्या है, वैक्स अंदर जो है लेयर टू लेयर डिपॉजिट होता है, बट यूजुअली क्या है, पेशेंट को अवेयर नहीं होता है क्योंकि वी डोंट हैव द रूटीन ENT चेकअप्स, हमारे को रूटीन ENT चेकअप्स नहीं होता, तो वो जो वैक्स होता है वो नमी के कारण स्वेल हो जाता है, फूल जाता है एंड और ईयर को क्या है, ब्लॉक कर लेता है। सो दोस्तों, इसके कारण जो है वो फिर उसमें अगेन जो है इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो और एक जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो लोग हियरिंग एड्स वियर करते हैं, दोस्तों जो हियरिंग एड्स का अंदर का नोब होता है वो भी हम जगह जगह रखते हैं, नमी के कारण बहुत बार क्या है, फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें पार्टिकुलरली ईयर से रिलेटेड इसमें हमें ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं नोज से रिलेटेड, नोज में दोस्तों पार्टिकुलरली ये जो वेदर है ये उनके लिए बहुत दुखदायी है जिनको एलर्जी होती है। बहुत सारे लोगों को पूरी साल भर एलर्जी नहीं होती, लेकिन पार्टिकुलरली ये मानसून के मौसम में अगस्त जुलाई अगस्त के अंदर जहाँ पे क्या है, मौसम में बहुत ह्यूमिडिटी होती है। दोस्तों, ये जो वेदर है, इस वेदर में क्या होता है कि मौसम में नमी के कारण बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस होती है एटमॉस्फेयर में, और वो फंगस जब हमारे नोज में या हमारे साइनस में जाती हैं तो उसकी सेंसिटिविटी के कारण नोज के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, नोज में स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम कंजेशन बोलते हैं, हमारे जो साइनस है उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि नोज कंजेशन होकर नोज ब्लॉकेज स्टार्ट होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है एंड अल्टीमेटली ये नाक के जो अंदर जो हमारा, क्योंकि जो हमारा नाक है ये हमारे बाहर की तरफ जो हमारी चीक की बोन है, ये बोन है, इसमें क्या है, खाली स्पेस होता है, दैट वी कॉल द साइनस सिस्टम। सो ये क्या है, पूरा साइनस से जुड़ा होता है, तो नाक का इन्फेक्शन साइनस में जाता है और साइनस में जाने से वहाँ के जो फ्लूड बनता है वो सारा गले में ट्रिकल होता है। सो अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो नाक की प्रॉब्लम के बाद वो डॉक्टर के पास क्या प्रॉब्लम लेके जाता है, थ्रोट की, मेरा गला ख़राब हो रहा है, गले में खराश है, बिकॉज जो नोज का जो सीक्रेशंस है वो सारे दिन भर गले में ट्रिकल करता है, लाइक पेशेंट लाइक यूं बार बार उसको क्लीन करने के लिए, जिसको हम जो है वो सोर थ्रोट भी बोलते हैं। और किसी पेशेंट्स को जो है वो अगर टॉन्सिल बड़े हुए हैं या स्मोकिंग की हैबिट है तो उस पेशेंट को बहुत जल्दी क्या है कि फेरिंजाइटी और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली गले में खराश रहेगी, इचिंग रहेगी, सारे दिन भर वो क्या है कि जो है वो
गले को क्लीन करता रहेगा। सो इसमें मेन कल्प्रिट अगर देखा जाए तो हमारा नोज़ है। बहुत बार क्या है, ईयर की प्रॉब्लम के की जो है उसमें भी क्या है, हमारा नोज़ कल्प्रिट होता है, क्योंकि ध्यान रहे हमारा ईयर जो है वो नोज़ से एक यूस्टेकियन ट्यूब से कम्युनिकेट होता है। तो हमारा बहुत बार क्या होता है कि नोज़ के पीछे का इन्फेक्शन उस ट्यूब के थ्रू जो है ईयर में भी चला जाता है, जिसको हम सीक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो ये मौसम से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम, इसलिए इन सब से हमें बचा जा सकता है। उसके लिए हमको ईयर के अंदर जो है अननेसेसरी जो है आपका परफोरेशन है तो पानी नहीं जाने देना चाहिए। कॉटन को जो है वो नारियल या सरसों के तेल में डिप करके अंदर लगाना चाहिए। अननेसेसरी जो है वो ईयर जो है पिकिंग हैबिट्स नहीं करनी चाहिए। एंड यू नेवर यूज़ द कॉटन बड्स अननेसेसरी। ईयर के अंदर सरसों का तेल या H2O2 या हाइड्रोजन परोक्साइड ये भी नहीं डाले। और इस मौसम में जो AC जहाँ पे होता है उसके लिए वो बेटर होता है। अगर आपको क्रोनिक एलर्जी है तो आपकी जो एलर्जी की मेडिकेशन है वो आपको कंटिन्यू आपको लेनी चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। एंड बिल्कुल जहाँ पे पुराने कपड़े हैं, जो पुरानी गंदगी है, जहाँ हम क्लीन करते हैं, उनसे बचाव करना चाहिए। और चिल्ड चीज़ें थ्रोट की प्रॉब्लम के लिए अवॉइड करनी चाहिए। सो दोस्तों, ये हैं टिप्स जिससे हम मानसून में होने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। एंड आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रियली यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर कलीग्स, जिससे इस मौसम में होने वाली हमारी प्रॉब्लम से बचा जा सके। थैंक यू।